بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين وعجل اللهم فرجه مولانا صاحب الزمان. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much for joining. Nabiyon ko jano series ke episode 22 mein aaj hum Nabi Shay'a alaihi salam ke bare mein janenge. Inka zikr, inki story jo aaj hum bayan karenge, wo Allama Muhammad Baqir Majlisi ki Hayatul Qulub kitab mein maujood hai. Janab Nabi Shay'a alaihi salam jo the, unko Bani Israel jo the, yani jo जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और जनाब मूसा के टाइम जो थे, जो कई सारे नबी जो है बनी इसराइल को भेजे गए थे, उनमें से एक नबी जो है नबी शैआ अलैहिस्सलाम भी थे. नबी शैआ अलैहिस्सलाम के टाइम पर एक मोमिन किंग था, एक किंग था जो अल्लाह पर ईमान रखता था, अल्लाह की इताअत करता था और लोग भी वहाँ के जो है ऐसा करते थे. लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने दीन में चेंजेस लाना शुरू किए जो अल्लाह की तरफ से नहीं थे, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उन्होंने चेंजेस लाना शुरू कर दिए. अल्लाह ने नबी शैआ अलैहिस्सलाम को भेजा और नबी शैआ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ये सब चेंजेस मत करो, ये सब इनोवेशंस मत करो, दीन में अल्लाह जो है इससे नाराज़ है जो तुम इनोवेशंस कर रहे हो, जो तुम चेंजेस कर रहे हो दीन में. लेकिन वो लोग नहीं माने तो अल्लाह ने जो है किंग बाबिल को हुक्म दिया कट कट. तो जब वो लोग नहीं माने और कंटिन्यू करते रहे, तब अल्लाह ने जो है इस तरह इंतज़ाम बनाया कि जो किंग बाबिल था उसने उन पर अटैक किया. अब जब उसने उन पर अटैक किया तो वो लोगों ने अल्लाह से माफ़ी मांगी. अब जब उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी तब जो है अल्लाह ने जनाब शैआ अलैहिस्सलाम को इन्फॉर्म किया कि अल्लाह ने उनकी तौबा, उनके जो प्रीवियस एंसेस्टर्स थे, उनके जो पूर्वज थे, मतलब दादा परदादा जो थे उनके एंसेस्टर्स, उनकी नेकी की वजह से इन लोगों की जो है तौबा को अल्लाह ने कबूल किया. और तौबा जैसे ही कबूल हुई, अल्लाह ने बाबिल की आर्मी जो थी, किंग बाबिल की जो आर्मी थी, उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया. जो मोमिन किंग था उसके जो पैर पर है, जो थाइज है, उस पर जो है ऐसे टाइप की कुछ फोड़ी आ गई थी, ऐसे टाइप का कुछ जख्म हो गया था जो कि बहुत जहरीला था और जानलेवा था. नबी शैआ अलैहिस्सलाम ने उसको इन्फॉर्म किया कि वो जो है इस दुनिया से जाने वाला है. उसने अल्लाह, उस किंग ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने जो है उसकी दुआ को कबूल की और 15 साल तक जो है उसकी ज़िंदगी बढ़ा दी. और नबी शैआ को इन्फॉर्म किया कि उस किंग को बताए कि एक पर्टिकुलर मेडिसिन लगाए कि जिससे जो है उसके उसका वो ज़ख्म जो है ठीक हो जाएगा. जब तक वो बादशाह जो किंग था वो 15 साल जब जिया, जिंदा रहा, तब तक लोग भी जो है मोमिन रहे, जिस तरह उन लोग ने माफ़ी मांगी थी और वो मोमिन बन गए थे. तो वो लोग जब तक ये बादशाह जिंदा था तब तक वो लोग भी मोमिन बने रहे. लेकिन जैसे ही उस बादशाह का इस दुनिया से इंतकाल हुआ, वो लोग जो है ईमान से धीरे धीरे हटने लगे और ईवल प्लानिंग्स करने लगे, बुरी प्लानिंग्स करने लगे और ट्राई करने लगे कि उनका कब्जा जो है तख्त पर आ जाए. साथ साथ उन्होंने कोशिश की कि नबी शैआ अलैहिस्सलाम को भी कत्ल किया जाए. नबी शैआ अलैहिस्सलाम एक नियर बाई ट्री था, वहाँ पर अपनी जान को बचाने पहुँचे. वो ट्री जो है खुला, नबी शैआ अंदर गए, ट्री बंद हुआ. लेकिन शैतान ने जो है इस मौके पर नबी शैआ अलैहिस्सलाम के कपड़े के एक टुकड़े को वो ट्री के ट्रंक के बीच में फंसा दिया और लोगों को इन्फॉर्म किया कि नबी जो है इस झाड़ के अंदर छुपे हुए हैं. जब लोगों को पता चला, लोग आए और झाड़ के साथ साथ नबी शैआ अलैहिस्सलाम को जो है उन्होंने टुकड़ों में काट दिया और इस तरह नबी शैआ अलैहिस्सलाम को जो है लोगों ने, बनी इसराइल ने जो है कत्ल किया. इस पर अल्लाह उन पर बहुत गज़बनाक हुआ, बहुत गुस्सा हुआ और अल्लाह ने उन सबको जो है तबाहो बर्बाद कर दिया. ये थी नबी शैआ अलैहिस्सलाम की स्टोरी हयातुल कुलूब से अल्लामा मजलिसी की. आज रात शबे कद्र है, ख़ास रातों में से है, लैलतुल कद्र है. आप सबसे गुजारिश है कि आज रात दुआएं दुआओं में बिताएं और सबसे पहली
सबसे मिडल और सबसे आखिरी दुआ हमारे ज़माने के इमाम वली आसर हुज्जत खुदा इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर की दुआ करें कि जो दुनिया में जुल्म बढ़ता जा रहा है वो इमाम अलैहिस्सलाम के आने से जो है जुल्म का ख़ात्मा हो जाए। इंशाअल्लाह हम सबको भी आपकी दुआओं में याद रखें, दुआएं करें, कुरान मजीद की तिलावत करें। कल फिर हाजिर होंगे हम एक नए नबी की स्टोरी के साथ 5 minutes at 5 PM। नबियों को जानो। थैंक यू वेरी मच। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मर मुहम्मद व आल मुहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।